दीपिका पादुकोण और प्रभास इन दिनों अपनी फिल्म प्रोजेक्ट के को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाल ही में फिल्म से दोनों एक्ट्रेस का पहला लुक रिलीज हुआ था, जिसके बाद लोगों ने प्रभास का लुक देखते हुए सस्ता आयरन मैन कहा था। वहीं इस बीच अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि दीपिका इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर शामिल नहीं होंगी, लेकिन क्यों? तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी बात। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रोजेक्ट के की कास्ट यानी प्रभास और कमल हासन सैन डिएगो पहुंच चुके हैं। सैन डिएगो में होने वाले कॉमिक कॉन में प्रोजेक्ट के का ट्रेलर लॉन्च होना है, लेकिन इस लॉन्च इवेंट में दीपिका पादुकोण नहीं पहुंचेंगी। दीपिका पादुकोण सैग AFTRA यानी स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका की ये राइटर्स गिल्ड लेबर लॉ का विरोध कर रही है। वहाँ महीनों से राइटर्स धरना दे रहे हैं। इस यूनियन ने तय किया है कि हड़ताल के चलते वो किसी भी प्रमोशन इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी के चलते बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण भी प्रोजेक्ट के ट्रेलर लॉन्च पर नहीं जाएंगी। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैग AFTRA के सभी सदस्य और एक्टर्स जो इस समिति का हिस्सा हैं, वो अपनी फिल्मों या किसी भी पब्लिसिटी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण भी अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर सकेंगी। सिर्फ दीपिका ही नहीं, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने भी इस स्ट्राइक का सपोर्ट किया है। वेल, आपको कितना इंतजार है दीपिका और प्रभास की इस फिल्म के ट्रेलर का, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। और ऐसी ही दमदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।